हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो आगे भी की क्लास आएंगी वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट, हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का सोल्व कर रहे हैं। उसका हमने मैथ पोर्शन है 50 क्वेश्चंस, वो तीन पार्ट में सोल्व कर लिए हैं। आज हम इसका जो इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, उसको हम आज सोल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, हम इसको एक पार्ट में ही सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम आज इसमें जो रीजनिंग पार्ट आता है वो स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसमें 2018 में जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे हम आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज, जो सीरीज है उसमें मिसिंग नंबर बताना है। देखो 20, 30, 42 और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो बताना हमें। देखो 20 और 30 में कितना डिफरेंस है, +10 कर रखा है यहाँ पे, 30 और 42 में +12 कर रखा है। अब देखो पहले 10 क्या है, फिर 12 क्या है, तो अब कितने करेंगे हम, 14 करेंगे। सीरीज तो ऐसे ही बनेगी 10, 12, 14। अगर 42 में 14 ऐड कर देते हैं तो क्या जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 56 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट का क्या जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विक्ट्री का जो संबंध जॉय से है, विक्ट्री इज टू जॉय एज, विक्ट्री टू जॉय एज खालिस्तान इज टू सोरो। देखो विक्ट्री जीत से हम खुशी मनाते हैं, जॉय तो उसी प्रकार दुख कब होता है हमें, जब हम सोरो दुख कब होता है, जब हम डिफेट हार जाते हैं, तो हार जाते हैं तो क्या होता है, दुख होता है, और जीत जाते हैं तो क्या होता है, खुशी होती है। तो क्या जाएगा, डिफेट आ जाए, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 29 एज 3 13 एज टू 169। तो देखो 169 और क्या लिख रखा है यहाँ पे, 30 लिख रखा है, तो 289 का क्या लिखेंगे। देखो 139 का यहाँ पे स्क्वेयर रूट लिख रखा है, 139 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 13 होता है। उसी प्रकार 289 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, 17 होता है। तो हमारा 17 ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रेन इज रिटन इज टू WUDLQ देन ट्रेन बस वुड बी रिटन। देखो ट्रेन टी कितने पे आता है, अल्फाबेट हमें लर्न होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम, T20 पे आता है, R18 पे आता है, A1 पे आता है, I9 पे आता है, N14 पे आता है। अब ट्रेन को क्या लिखा गया, W कितने पे आता है, 23 पे आता है, U21 पे आता है, D4 पे आता है, L12 पे आता है, और Q17 पे आता है। देखो 20 में 3 ऐड करें तो ये आ गया, 18 में 3 ऐड करें तो ये आ गया, 1 में 3 ऐड करें तो ये आ गया, 9 में 3 ऐड करें तो ये आ गया, 14 में 3 ऐड करें तो ये आ गया। उसी प्रकार बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, U21 पे, और S19 पे। अब देखो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, 5 पे क्या होता है E, और 24 पे क्या होता है X, और 22 पे क्या होता है V, तो EXV आ जाएगा, EXV हमारा आंसर आ जाएगा। EXV ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्या ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके नंबर लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर देन स्टेगनेंट इज रिलेटेड टू। देखो फ्लो होता बहना, नदी तो बहती, स्टेगनेंट स्थिर, स्थिर रहना, स्टेगनेंट रहता है, स्थिर, स्थिर क्या रहता है, देखो
रेन अगर बारिश आती है तो स्थानीय स्ट्रीम नदी कैनाल भी नहर होती है, लेकिन पुल है वो स्थिर रहता है, तो क्या आ जाएगा इसका, पुल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 106 का। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक टू अदर वर्ड्स इन ग्रुप, जो सबसे अलग है वो बताना है। देखो इसमें है लैडर, सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयरकेस भी सीढ़ियाँ होती हैं, ब्रिज पुल होता है, और एक्सीलेटर होते हैं वो अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं। लो लैडर, स्टेयरकेस और ब्रिज पे हमें खुद चलना पड़ता है, हमें खुद चलना पड़ता है उन पे, लेकिन एक्सीलेटर होते हैं वो स्वचालित होती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, स्वचालित होते हैं। तो इसमें अलग क्या हुआ, इन तीनों में तो हमें खुद चलना पड़ता है, एक्सीलेटर में हमें अपने आप चल जाती है, तो एक्सीलेटर इनमें अलग हो जाएगा, स्वचालित होती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ वी अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, विच वर्ड वुड कम एट द सेकेंड प्लेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेट। सेकेंड प्लेस पे कौन सा आएगा, देखो सेकेंड प्लेस पे पहले आएगा पी एल, सभी में है तो हम करेंगे पी एल। अब ए आएगा तो ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ए के बाद इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें वाई, वाई वाला तो लास्ट में आएगा, तो एन और आई में कौन सा पहले आता है, आई पहले आता है, तो आई पहले आता है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और एन इसके बाद आता है तो ये दूसरे, तो पी एल ए एन ई ये आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द अल्टरनेट दैट रिजेंबल दैट वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड, इसकी वाटर इमेज बतानी है हमें। वाटर इमेज में क्या होता है, हम उसका जो भी अल्फ़ाबेट दिया होता है, नंबर दिया होता है, उसका हम उल्टा कर देते हैं। जैसे ए दे रखी है तो ए का हम वाटर इमेज करेंगे तो ये बन जाएगी ए की वाटर इमेज, और वन है तो वन की देखो ये, सॉरी यहाँ पे ये और करेंगे, वन की है तो ये बन जाएगी, एम है एम का डब्लू बन जाएगा। अब थ्री का उल्टा करो, कैसे भी करो वही रहेगा, ये बी है तो इसका हम उल्टा करेंगे, देखो इसका नीचे का पार्ट ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे, तो बी को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, पी बन जाएगा। अब देखो ऐसे हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो फर्स्ट है ए, ए में हमारा क्या गया, ए में हमारा जो जो वन है वो एक साइड से है वो ऊपर जा रखा, तो ये तो होगा नहीं, और इसमें इस साइड जा रखा ये वन का ये पार्ट, तो ये भी नहीं होगा। हमें एक मिस्टेक दिखती है, हमें आगे देखना ही नहीं। सी में ए भी ऐसा है, वन भी ऐसा है, डब्ल्यू भी, थ्री भी, पी भी, यह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। डी में देखते हैं तो देखो थ्री इसने कैसे लिख रखा, हमने कैसे लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यार, तो ये हमारा वाटर मेज का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उस चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक बाई अदर वर्ड इन द ग्रुप, सबसे अलग कौन सा वो बताना है। आइज, ईयर, हैंड, स्काफ, देखो ये हमारे सभी बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं, लेकिन स्काफ एक अलग होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपको क्या लग रहा है, गैप देखेंगे तो इसमें वन का गैप है, फिर टू का है, फिर टू का है, फोर का है, टू है, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही, तो ये तो है नहीं। तो हम देखो 2, 3, ये क्या आपको ओड नंबर है, सभी ओड नंबर सभी हैं, तो यहाँ पे नाइन नहीं है, ये भी नहीं बन रहा, प्राइम नंबर है ये, 2, 3, 5 ओड नंबर में नहीं हो सकते क्योंकि टू एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर हो सकते हैं, टू भी प्राइम है, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी की टेबल में नहीं आते, तो ये क्या है, सभी प्राइम नंबर है। 13 के बाद प्राइम नंबर 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है। 13 के बाद कौन सा होता है, 17 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा
आंसर हो जाएगा 17। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन कंट्री नेपाल इंडिया। अब देखो यहाँ पे कंट्री होता है देश, नेपाल और भारत क्या है, देश ये तो हैं, नेपाल और भारत देश हैं, तो नेपाल इंडिया क्या है, देश हैं, और वो क्या है, कंट्री हैं, देश में मतलब कंट्री में हम देश में ही तो काउंट करते हैं, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, जो भी देश हैं वो देश में ही काउंट होंगे, तो ये हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। कंट्री के अंदर क्या होते हैं, कंट्री के अंदर क्या होते हैं, देश होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम यहाँ पे। चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बताना हमें, 5 11, देखो 5 और 11 के बीच में गैप है वो 6 का है, 11 और 19 के बीच में गैप है वो 8 का है, 29 और 19 के बीच में गैप है वो 10 का है। अब देखो पहले 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, अब 12 का होना चाहिए, अगर हम 29 में 12 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 41, और उसमें अगर हम 14 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, यानी इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, तो ये सीरीज बन गई, तो क्या आ जाएगा, 41 ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फिश इज टू गिल्स इज देन ए मैन। एक फिश, एक मछली होती है वो गिल्स से अपना सांस लेती है, तो मैन किससे लेता है, लंग्स से, किससे लेता है, लंग्स से, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, सी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच फिगर अमोंग द 5 alternate 1 2 3 4 5 वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर डी। तो यहाँ पे डी पे कौन सी, इनमें से कौन सी फिगर आएगी, जो ये फिगर दे रखी है इनमें से यहाँ पे डी पे कौन सी आएगी। देखो फर्स्ट में ए में यहाँ से एक ऐसे कर रखा है, बी में फिर ऊपर गया, सी में फिर नीचे आ गया, अब डी में ऐसे आना चाहिए, मतलब इसके नीचे वाले में ऐसे आना चाहिए, तो ऐसा कौन से में है, देखो इसके सेम जैसा ए में है, देखो बी में तो ये ऐसे, तो जो ये लाइन है ये पहले जो बॉक्स है उसमें ऐसे लाइन है, और बी में तो लाइन ही ऐसे दे रखी है, सी में भी ऐसे दे रखी है, डी में लाइन तो ऐसे है बट नीचे दे रखे हैं, और इसमें भी बीच से दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन प्लेनेट स्टार सैटेलाइट। तो सन प्लेनेट स्टार सैटेलाइट में क्या जाएगा, सैटेलाइट सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सन और प्लेनेट स्टार ये तो सभी हेवनली बॉडीज हैं, सैटेलाइट एक मैनमेड भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सैटेलाइट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, इफ़ माया इज़ द ओनली डॉटर ऑफ रिचार्ज ग्रांड मदर ब्रोदर। माया है वो किसकी डॉटर है, जो रिचा उसके ग्रांड मदर, जो रिचा की ग्रांड मदर, यानी यहाँ पे रिचा की ग्रांड मदर के ब्रोदर, और उसकी डॉटर कौन है, माया। ओके स्टूडेंट, हाउ इज मायाज डॉटर, माया की भी डॉटर, हाउ इज मायाज डॉटर रिलेटेड टू रिचा, ये रिचा की क्या लगी। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये ग्रांड मदर, ये ग्रांड मदर का ब्रोदर। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी ग्रांड डॉटर है, तो इसका रिलेशन क्या हुआ,
ये तो कजन हुई ना आपस में, क्योंकि ये इसके ब्रदर की लड़की है, ये इसके ब्रदर की लड़की है, सॉरी ये इसके ब्रदर की लड़की, और ये इसके यानी कि इसके सन की लड़की है के स्टूडेंट, तो ये इसके ब्रदर की लड़की है, तो ब्रदर की लड़की इसकी क्या लगेगी, कज़न, ये इसके ब्रदर की लड़की है और वो ये उसकी लड़की है, ब्रदर की लड़की की लड़की यानी इसकी क्या लगेगी, कज़न लगेगी ना। इसमें ये देखो इसका सन और ये माया, ये क्या होंगे, कज़न होंगे, कज़न होंगे ना, किसका, इसका फादर, ये आपस में कज़न होंगे, तो ये भी क्या होंगे, कज़न होंगे, क्योंकि ये इसकी डॉटर और ये इसकी डॉटर है। ओके स्टूडेंट, देखो ग्रैंड मदर का जो सन है और जो इसके ब्रदर का सन है, वो तो आपस में कज़न होंगे ना, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, इनके जो सन हैं जो डॉटर है वो क्या होंगे, कज़न होंगे आपस में, और जो कज़न के वो बच्चे हैं वो भी आपस में कज़न होंगे, तो बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th वाला, ओ पी क्यू आर एस टी आर स्टैंडिंग ऑन ए बेंच अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ओ पी क्यू आर एस टी फाइव जो एक बेंच पे खड़े हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, पी इज टॉलर देन ओ, पी है वो ओ से टॉलर लंबा, पी इज टॉलर देन ओ, पी यहाँ पे है किससे लंबा है, ये ओ से लंबा है, पी इज टॉलर देन ओ बट शॉर्टर देन एस और एस से छोटा है, ओनली एस इज टॉलर देन टी, शॉर्टर देन एस, ओनली एस इज टॉलर देन टी, केवल एस ही टी से बड़ा है, यानी एस है वो केवल एस ही टी से बड़ा, यानी टी बिल्कुल एस के नीचे आएगा, आर इज द शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन क्यू, आर है वो शॉर्टर देन पी, आर है पी से शॉर्टर है, यहाँ पे आ जाएगा बट टॉलर देन क्यू, अब हमें आर है वो क्यू से, अभी आप क्यू देखो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू हमें क्यू और ओ का रिलेशन नहीं बता रखा कि इनमें से कौन सा टॉलर है कौन सा शॉर्टर है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्यू को देखो, हमें ये तो पता है कि क्यू वो आर से छोटा है, बट ये नहीं पता कि ओ से बड़ा है या छोटा, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, हु इज शॉर्टेस्ट, और क्वेश्चन भी यही पूछ लिया, अगर हमें शॉर्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पूछता तो हम ऐसा आंसर कर देते, लेकिन शॉर्टेस्ट पूछ रखा है, अब हमें यह कन्फर्म कहीं पे भी कन्फर्म नहीं कर रखा है इस क्वेश्चन में कि क्यू और ओ में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम इसमें नहीं बता सकते, कैन नॉट बी सेड, नहीं बता सकते, कैन नॉट बी सेड, नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निश्चित नहीं कर सकते, अगर बड़ा पूछा होता तो हम बता देते, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देखो 16 डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस, 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस 6 और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 और प्लस है यहाँ पे, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड में 12, अब यहाँ पे इसको नीचे लिख लिया हमने गलती से, ऊपर लिखते हैं इसको 16 प्लस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 12, 12 से कैंसिल, स्टूडेंट 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6, 1/6, 6 से 6 कैंसिल किया जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 16 प्लस 8 माइनस 1, 16 और 8 24 में से माइनस 1 करेंगे 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, तो 23 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 23। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाइनटीन का काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन गिवन फिगर्स, इसमें कितनी फिगर हैं वो हमें बतानी है। तो फिगर्स को हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 11, 12 हो गई, एक ये हो गई पूरी, 13 हो गई, एक ये हो गई पूरी, 14 हो गई, एक यहाँ पे ये हो गई, 15 हो गई, एक यहाँ पे ये हो गई, 16 हो गई, तुम्हारे पास 16 हो गई, और हम इसको काउंट करते हैं, और अगर देखा जाए तो हमारे पास 16 हो चुके हैं। एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, और कुछ बचती है यहाँ पे, ये वाली हो गई हमारी, ये वाली भी हो गई, और दोनों ये वाली हो गई, 16 फिगर हो गई हमारी। तो यहाँ पे इसमें कितनी फिगर हैं, इसमें 16 ही फिगर यहाँ पे हैं के स्टूडेंट, तो इसमें और कोई फिगर आपको नहीं दिख रही है, 16 हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉग इज टू रेबीज देन मॉस्किटोज इज टू, डॉग से रेबीज होता है तो मॉस्किटोज से क्या होता है, प्लेग, डेथ, मलेरिया, मलेरिया होता है, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इस प्रकार ही हमारा ये आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इज 3 o'clock इन ए वॉच, एक वॉच में यहाँ पे 3 o'clock बता रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वॉच बना लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे बनते हैं 3 o'clock, तो ऐसे बजते हैं। इन एंड इट्स रोटेट बाई 10 degree इन ए मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यदि इसको इस मैनर में 10 degree रोटेट किया जाए कि इसकी मिनट हैंड है ना वो नॉर्थ ईस्ट चली जाए। अब देखो मिनट हैंड कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ओके स्टूडेंट, सॉरी ये ओके, तो मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से इस साइड चली जाए, अगर ये इस साइड जाएगी तो ये आवर हैंड किस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, देन आवर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो आवर हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगी। अब देखो मिनट हैंड को अब इस साइड लेके जाएंगे तो आवर हैंड ये तो है नहीं कि ऊपर की साइड जाएगी, नीचे की साइड आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कौन सी होगी, साउथ, और ये कौन सी होगी, ईस्ट, तो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, कौन सी साइड में आ जाएगी, साउथ ईस्ट में आ जाएगी, साउथ ईस्ट हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लव इज टू हेट देन फ्रेंड इज टू, देखो लव प्यार हेट किसी से गणना करना, लो एंटोनियम से, तो फ्रेंड्स मित्र, और मित्र का जो एंटोनियम्स होगा वो इनेमी, जो शत्रु होता है, दुश्मन होता है, इनेमी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये 22 वाले का सी ऑप्शन आ जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन है, इफ द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज सीन इन ए मिरर विच अल्टरनेट वुड रिजेंबल द मिरर, अब देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो आपको राइट, जो आपको लेफ्ट में दिखेगा ना वो मिरर इमेज में वही आपको राइट में दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तुम्हारा यहाँ ऑप्शन 123 का क्वेश्चन है, तो अब देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ए है, ये लास्ट में आएगा, सबसे पहले टू आएगा, टू आएगा, तो टू कहाँ पे है, देखो इसमें, इसमें भी स्टार्टिंग में टू नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी टू जैसा नहीं लिख रखा है। ओके, तो इसमें, तो इसमें भी देखो, और ए लास्ट में आएगा तो ए इसके लास्ट में है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो हमें ए लास्ट में आना चाहिए, हमारा ए स्टार्टिंग वो लास्ट में आना चाहिए, इसके लास्ट में ए नहीं है, इसके लास्ट में भी ए नहीं है, इसके लास्ट में भी ए नहीं है, तो ए लास्ट में किसके है, इसके लास्ट में है, तो बच क्या गया यहाँ पे, यही।
स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मिरर इमेज में जो लेफ्ट होता है वो राइट, जो राइट होता है वो लेफ्ट में हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट, दिया हुआ कि ए और बी है वो मैरिड कपल हैं, ए और बी क्या हैं, कपल हैं, यानी हस्बैंड वाइफ। हमें ये नहीं पता कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, हमें इसका भी नहीं पता है। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मैरिड इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, यदि एक्स और वाई हैं वो, एक्स और वाई क्या हैं, ब्रदर हैं, दोनों भाई हैं, नहीं तो दोनों ब्रदर्स हैं। एंड एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स है वो ए का ब्रदर है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स है वो ए का क्या है, ब्रदर है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई है वो बी का क्या लगा। अब देखो, एक्स और वाई तो ब्रदर हैं और ये इसका ब्रदर है, मतलब ये तीनों तो क्या हो गए, हमें ये नहीं बता रखा कि ए गर्ल्स है या बॉयज, क्योंकि हाँ यहाँ पे ये जरूर बता रखा कि एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, ए इसका मतलब एक्स है वो ए का ब्रदर है, तो ए क्या होना चाहिए यहाँ पे, गर्ल्स, तो ये इसके हस्बैंड हो गए। तो ये वाई और बी का क्या रिलेशन हुआ, हाउ इज वाई, वाई क्या लगेगा इसका। देखो, ये इसकी वाइफ हो गई और ये इसके ब्रदर हो गए, तो इसका क्या लगेगा, वाई क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ओके स्टूडेंट, इसकी वाइफ का ब्रदर हो गया तो इसको इसका क्या लगेगा, ये ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे 15 है, हम 15 लिख लेते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड में 5, डिवाइड मीन्स क्या दे रखा है, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस में 10, प्लस मीन्स क्या दे रखा है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस में 5, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई में 3। तो पहले डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 15 को 5 से करेंगे 3। ओके स्टूडेंट, तो 3 आ जाएगा, प्लस 10, माइनस 5, 3 जा 15, 10 और 3 13, माइनस 15, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो माइनस 2 ऑप्शन में यस, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का था, उसको हमने मैथ पहले सोल्व कर लिया था और रीजनिंग का भी इस पार्ट में हमने सोल्व कंप्लीट सोल्व कर लिया। उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ओके स्टूडेंट, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपको मैं एक बार स्क्रीन पे आपके सभी क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। 101 से 125 तक जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमारे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से एक बार और करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इनको अच्छी तरह से आप नोटबुक में कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं इनसे रिलेटेड चैप्टर के आप प्रैक्टिस करते रहिए रहिए, क्योंकि रीजनिंग के आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपको जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो आज हमने सोल्व किए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।